सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी आपकी नई कक्षा 8 विषय हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी प्रथम स्वर्णिका के पाठ 1 द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित उठो धरा के अमर सपूतों नामक कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कवि ने अपनी कविता में उठो धरा के अमर सपूतों इसलिए कहा है कि भारत वह देश है जहां हजारों सालों से अत्याचार होता गया। कवि ने देश के युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा है कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। हे मातृभूमि के सपूतों, उठो और अपने देश के पुनः नव निर्माण के कार्यों में जुट जाओ। जन जन यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, स्फूर्ति मतलब नई चेतना, और नव प्राण भरो यानी नई उमंग भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। नई किरण और प्रकाश से इनके जीवन को प्रकाशित कर दो। युग युग के मुरझाए सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। अर्थात युग युग से पराधीनता में रहते रहते इनके हृदयों में मुरझाए सुमन मतलब हृदय रूपी सुमन में फिर से नई आशा और विश्वास की मुस्कान भर दो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, डाल डाल पर मतलब डाल डाल पर बैठी चिड़िया मधुर आवाज में गा रही हैं, और भौरे भी गुनगुन करते हुए मस्ती में मंडरा रहे हैं। नवयुग मतलब नव निर्मित युग में नव युवाओं के देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकें, ऐसा उनके अंदर गान भर दो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नई नई कलियों और फूलों से पूरी धरती को प्रकाशित कर दिया है। किसने? नई नई कलियों और फूलों ने, उनकी मुस्कुराहट ने पूरी धरती को प्रकाशित कर दिया है। नई सुनहरी काया है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे धरती माँ की काया सुनहरी हो गई है। नूतन मंगल में ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान करो। ऊर्जा का संचार करने वाली मंगल में जीवन रूपी बगिया को महका दो, यानी मंगल में यानी ऊर्जा से, ऊर्जा का संचार करने वाली मंगल में ध्वनियों से इनके जग उद्धान मतलब इनके जीवन रूपी बगिया को महका दो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सारा देश सरस्वती का मंदिर है, जिसकी शुभ विद्याएं ही हमारी संपत्ति हैं। इस संपत्ति की रक्षा करना प्रत्येक नव युवा का कर्तव्य है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। शत शत मतलब असंख्य ज्ञान का दीप जलाकर, यानी जिसकी कोई सीमा ही ना हो, असंख्य मतलब जिसकी कोई सीमा ही ना हो, असंख्य ज्ञान का दीप जलाकर इनको आगे बढ़ने को आमंत्रित करो या प्रेरित करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यानी मातृभूमि के वीर सपूतों, उठो और अपने देश के कर्तव्यों का पालन करो। बच्चों, सभी बच्चे इस कविता को दोबारा से पढ़ेंगे और वीडियो को दोबारा सुनेंगे, जिससे आपको अर्थ समझ में
आ जाए। इससे अगला कार्य मैं आपको इससे अगली वीडियो में कराऊंगी। धन्यवाद।